हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स मास्टर में। आप सभी से नम्र निवेदन है कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस थी वो सभी हमने देख ली हैं, और अब हम क्लास नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर का पहला एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां पर एक्सरसाइज 2.1 में पहला सम है कि यहां पर जितने भी ये पांच क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की फॉर्म में है या नहीं। आंसर आपको सिर्फ देना है यस और नो में। अब पहला इक्वेशन देखिए, पॉलिनोमियल्स 4x² - 3x + 1, क्या यह पॉलिनोमियल है? देखने का तरीका, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, ये विदाउट डिग्री वाला है। दूसरा, इसका 1 मतलब एक ही वेरिएबल है, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है वो x फॉर्म में, मतलब वेरिएबल x है, तो ये यस ये पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड क्वेश्चन है y² + 2, मतलब ये y की फॉर्म में है और यहाँ रूट 2 लगा हुआ है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल होगा। यस, क्लियर। थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल तो है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है, बट यहाँ टी के ऊपर रूट लगा हुआ है। रूट का मतलब होता है 3t/1/2, और कभी भी पावर इस तरीके से नहीं होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, नो। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी फोर, वाई और लिखा हुआ है, यहां पर भी वाई वेरिएबल है बट ये वाई नीचे है। कभी भी पॉलिनोमियल में अल्फाबेट जो होता है, जो वेरिएबल होते हैं वो नीचे नहीं होते हैं, दैट मीन्स ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव है, x^10, y^3, t^50, क्या यह पॉलिनोमियल होगा? यस और नो। यहां पर एक वेरिएबल है, ये भी अलग वेरिएबल है और ये भी अलग वेरिएबल है, सब एक ही वेरिएबल, मतलब वन वेरिएबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर x है, यहां पर भी x होना चाहिए, यहां पर भी x होना चाहिए, इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर टू है, जैसा कि हमने देखा था कि कोफिशियंट क्या होता है, कोफिशियंट कॉन्स्टेंट की फॉर्म में ही होता है, बट ध्यान रखना होता है कि वो कौन से वेरिएबल का है। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट मतलब ये आगे क्या है, यहां पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, अगर इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछे तो क्या आंसर होगा? 1 तो होगा, लेकिन सिंबल मतलब ये जो साइन जो है उसको भी यूज करना है, -1। नेक्स्ट आपका इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पूछा है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा 2, उसका आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट, इसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, लेकिन इसमें तो एक्स स्क्वायर की टर्म है ही नहीं, दैट मींस आंसर इज 0, क्या आंसर होगा? 0। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। एक तो वो बायनोमियल्स होना चाहिए और उसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। दूसरा जो एग्जाम्पल लिखना है वो मोनोमियल्स होना चाहिए और इसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। तो पहले तो बायनोमियल्स किसको बोलते हैं? जिसमें दो टर्म होती है, दो टर्म बना दो कुछ भी, बस मतलब ये आपका सेटिस्फाई हो गया। लेकिन डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35, मतलब आप x के ऊपर कितना लिख दो? 35, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, बायनोमियल्स भी हो गया और डिग्री भी 35 हो गई। अब दूसरा इसमें पूछा है कि मोनोमियल्स मतलब सिर्फ वन टर्म वाला, लिख दिया 2x और उसकी डिग्री कितनी लिख दो? 100, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो गया। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको उसके अंदर डिग्री पता करनी है, और डिग्री के बारे में मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि डिग्री क्या होता है। डिग्री वो होता है जिसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट पावर हो,
तो यहां पर आपको हाईएस्ट पावर दिख रही होगी, यहां पे एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्लियर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में डिग्री पता करना है, तो वेरिएबल कहां है, ये रहा, उसके ऊपर डिग्री कितना है, 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डिग्री हो गया 2। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में डिग्री पूछा है, वेरिएबल कहां है, ये रहा, वेरिएबल के ऊपर है वही डिग्री कहलाता है, वेरिएबल अगर नहीं है, एब्सेंट है, तो उसकी डिग्री नहीं होती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें ये रहा वेरिएबल, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो व्हाट अबाउट डिग्री 1। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब यहां पर तो डिग्री एब्सेंट है, और डिग्री एब्सेंट है दैट मींस कितनी है, 0, क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर 3 टर्म्स लिखी है, इसमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा लीनियर पॉलीनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, और कौन सा क्यूबिक है। आपको मैं बता दूं पहले कि लीनियर पॉलीनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक वो होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, लेकिन वो भी हाईएस्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, सेकंड, तो सेकंड वाला क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आप देख सकते हो इसके अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, x की हाईएस्ट पावर 3 हो वो कौन सा पॉलीनोमियल होता है, क्यूबिक। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर y वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर पावर 2 है, अगर 2 डिग्री है और हाईएस्ट भी 2 है तो उसको कौन सा पॉलीनोमियल बोलोगे, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, x की यहां पर हाईएस्ट पावर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और 1 पावर वाला कौन सा पॉलीनोमियल कहलाता है, लीनियर। एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कांस्टेंट अकेला नहीं है, साथ में वेरिएबल है t और उसके ऊपर पावर 1 है, तो कौन सा पॉलीनोमियल कहलाएगा, लीनियर। नेक्स्ट r पावर 2 दैट मींस 2 डिग्री वाला कौन सा पॉलीनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। एंड देन लास्ट x पावर 3 और 3 पावर वाला कौन सा पॉलीनोमियल होगा, क्यूबिक। ओके, सो इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी सम हैं वो सारे खत्म होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।